क्या आपको भूतों में विश्वास है? मुझे तो नहीं है, क्योंकि मैंने आज तक ना ही देखा है और ना ही महसूस किया है। ऐसे में भूत या फिर आत्मा पर विश्वास कर पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसी कहानियाँ सुनना कई लोगों को खूब पसंद होता है। आप भूत और आत्मा को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। खैर, आज हम लोग जिस सफ़र पर चलेंगे उसके बारे में अगर आप बिहारी हैं तो विस्तार में नहीं लेकिन संक्षिप्त में ज़रूर जानते होंगे। जो नहीं जानते उनके लिए हम हैं ना। जी हाँ, बिल्कुल। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज़। बिहारी विहार के इस सेगमेंट में आज हम लोग सफ़र करेंगे एक रहस्यमय भूतों के पहाड़ का। ये कुछ ज़्यादा हो गया, यूँ कहे कि वो पहाड़ जहाँ आत्माओं का वास होता है। ये जानते हुए भी कि वहाँ प्रेत आत्माएं होती हैं, फिर भी हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में एक निश्चित समय में लोग वहाँ पहुँचते हैं, हालांकि शाम होने से पहले वहाँ से वापस आ जाते हैं। पहाड़ से नीचे उतरने के दौरान पीछे मुड़कर नहीं देखते, नहीं तो ऐसा माना जाता है कि आत्मा आपके पीछे लग सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजधानी पटना से करीब 105 किलोमीटर दूर स्थित प्रेतशिला पर्वत की। नाम से ही समझ सकते हैं क्यों इस पर्वत का नाम प्रेतशिला पड़ा होगा। आमतौर पर लोग जानते हैं कि गया जी जाकर पितरों को पितृपक्ष के दौरान पिंड दान करते हैं, लेकिन आज हम इस प्रेतशिला पर्वत के रहस्यों को खंगालने की कोशिश करेंगे। अमूमन लोग यहाँ फल्गु नदी के किनारे तर्पण करने के लिए आते हैं, लेकिन हम आपके इस सफर को रोमांचक बनाने की कोशिश करेंगे। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि प्रेतशिला पर्वत गया नगर से 8 किलोमीटर दूर स्थित एक खास पर्वत है। वैसे तो गया के आसपास दर्जनों पर्वत हैं, यूं कहें तो गया नगर में कुल 7 से 8 पर्वत विराजमान हैं। प्रेतशिला पर्वत इन्हीं में से सबसे ऊंचा और प्राचीन पर्वत है और यह गया नगरी के पुराने ऐतिहासिक पर्वतों में से एक है। हिंदू संस्कारों में पंचतीर्थ वेदी में प्रेतशिला की गणना की जाती है। शास्त्रों में पर्वत को प्रेतशिला के अलावा प्रेत पर्वत, प्रेत कला एवं प्रेतगिरी भी कहा जाता है। यह पर्वत करीब 876 फीट ऊंचा है, जिसके तलहटी में कुछ ऐतिहासिक गांव भी बसे हैं। पर्वत के शिखर से नीचे का नज़ारा देखते ही बनता है। इस पर्वत पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं, जो कि कुल 676 सीढ़ियां हैं। लेकिन अगर आप अपने इस सफ़र को और रोमांचक बनाना चाहते हैं, आप अगर एडवेंचरस हैं तो आप इस पर्वत की ट्रैकिंग कर सकते हैं। प्रेतशिला एक अद्भुत और अविश्वसनीय पर्वत में से एक है, जो अपने अंदर कई रहस्यों को छुपाए हुए रखा है। इस प्रेतशिला पहाड़ और गया जी का वर्णन वायु पुराण और गरुड़ पुराण में भी मिलता है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह पर्वत अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है और कितना प्राचीन है। गरुड़ पुराण के पौराणिक गाथा के अनुसार एक बार गयासुर नाम का एक राक्षस ब्रह्मा जी को अपने तपस्या के बल पर खुश कर लेता है। इस दौरान ब्रह्मा जी गयासुर से वरदान मांगने को कहते हैं। तभी गयासुर ने ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे ऐसा वरदान दें कि मेरे दर्शन या स्पर्श मात्र से ही लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाए और उसे यमलोक ना जाना पड़े। ब्रह्मा जी ने गयासुर को ये वरदान दे दिया, जिसके बाद गयासुर समस्त पृथ्वी लोक में घूम घूम कर पापियों का उद्धार करना शुरू कर दिया, जिसके बाद अब सभी पापी विष्णु लोक जा रहे थे। इस बीच यमराज की व्यवस्था में गड़बड़ियां शुरू हो गई, यमलोक सूना पड़ने लगा। ऐसे में यमराज ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और इस समस्या का सुझाव मांगते हैं। तभी ब्रह्मा, विष्णु और महेश मिलकर एक नीति बनाते हैं और गयासुर से वो कहते हैं कि तुम अनंत पवित्र हो, इसलिए भगवान विष्णु चाहते हैं कि ये तुम्हारे पेट पर यज्ञ करे, और गयासुर भी मान जाता है। जब यज्ञ संपन्न हुआ और गयासुर चलने फिरने में असमर्थ हो गया, तभी भगवान विष्णु ने गयासुर के ऊपर अपना पैर रखकर उससे अचल कर दिया। इतना ही नहीं, गयासुर के ऊपर एक शिला यानी पत्थर रख दिया गया, यही वो प्रेतशिला पर्वत है। इतना कुछ होने के बाद भी गयासुर भगवान का सुमिरन करना नहीं छोड़ा। गयासुर के इस समर्पण को देखकर एक बार फिर ब्रह्मा जी अति प्रसन्न हुए और वरदान दिया और कहा कि अब से यह स्थान जहाँ तुम्हारे पीठ पर यज्ञ हुआ है, वो स्थान गया के नाम से जाना जाएगा। इस स्थान पर जो भी पिंडदान व श्राद्ध करेगा उनका मैं उद्धार करूँगा। ये भी मान्यता है कि यहाँ श्रीराम ने अपने पिता राजा दशरथ का श्राद्ध किया था। वहीं ऊपर में यमराज का मंदिर है, शिखर पर एक शिला है जिसमें दरारें हैं। लोगों की मान्यता है कि यहीं से पृथ्वी लोक और परलोक की कड़ियां जुड़ती हैं और प्रेत आत्मा इसी के माध्यम से पृथ्वी लोक पर आते हैं और वापस अपने लोक को पहुंचते हैं। सीढ़ियों पर चढ़ने में असमर्थ लोग पालकी वाले का सहारा लेकर ऊपर जाते हैं। यहाँ सूर्य, विष्णु, महिषासुर, मर्दिनी, दुर्गा,
शिव पार्वती तथा अन्य ब्राह्मण संप्रदाय से संबंधित केंद्र स्थल माना जाता है। इसी के नीचे राम कुंड है, जिसके बारे में कहा जाता है कि श्री राम ने इसी कुंड में स्नान किया था। प्रेतशिला के नीचे ब्रह्म कुंड है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका प्रथम संस्कार ब्रह्मा जी द्वारा किया गया था। वैसे तो सालों भर यहाँ तीर्थयात्री आते रहते हैं, पर हर साल पितृपक्ष समागम में यहाँ जुटने वाली भीड़ से 15 दिनों का मेला लगता है, जिसे पितृपक्ष मेला कहा जाता है। यह मेला विश्व प्रसिद्ध है। इसका विशेष महत्व है। प्रेतशिला पर्वत पर चने के सत्तू से पिंडदान करने की पुरानी परंपरा है और यह सदियों से चली आ रही परंपरा है, और लोगों का मानना है कि इस जगह से पूजा करने के बाद आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। लोगों का यह भी मानना है कि जिनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, वो उस इंसान का यहाँ पिंडदान करते हैं और उनकी तस्वीर यहीं किसी खास स्थल पर छोड़ जाते हैं, ताकि असमय मरने वाले की आत्मा इधर उधर ना भटके। इस कारण हर वर्ष पितृपक्ष के दौरान गया शहर के प्रेतशिला पर्वत पर देश विदेश से आए हजारों पिंडदानियों का तांता लग जाता है। यहाँ आने वाले लोग बताते हैं कि यहाँ आकर एक अलग नई ऊर्जा समाहित हो जाती है। अगर आप भी ऐसे रहस्यों को खंगालने के शौकीन हैं, तो कभी आएं बिहार स्थित गया शहर के प्रेतशिला पर्वत पर। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।